सिमर, जरा बताइए कि वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, या आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं? क्या स्थिति वहां पर है, कैसे इस हादसे हुआ, जो भी जानकारी आपके पास है हम चाहेंगे तस्वीर दिखाते हुए हमारे दर्शकों से आप वो जानकारियां साझा कीजिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल शुभाकर, काफ़ी बड़ी दुर्घटना है ये। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौके से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो लोकेशन है ये कानपुर आउटर की पड़ती है, घाटमपुर इलाका पड़ता है। शहर की बात करी जाए तो वहाँ से करीबन 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करी जाए जिसपे 25 अभी आधिकारिक तौर पर हमें पता लगा है कि डेथ टोल डिक्लेयर कर दिया गया है, 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 11 महिलाएँ हैं, 11 बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात कई लोग क्रिटिकली इंजर्ड है जिन्हें अभी हॉस्पिटल रेफर करा गया है, उनकी भी हालत गंभीर है। लगातार सारे डॉक्टर्स की टीम, सीएमओ खुद मौके पर पहुंचकर सीएम योगी के निर्देश के बाद तत्पर इस पूरी सिचुएशन पे दिख रहे हैं। हमने देखा कि 35 से ज़्यादा लोग एक छोटे से ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार थे, जिसके बाद जो वो तालाब में गिरी, कई लोगों ने आके बचाने की कोशिश करी, कई लोगों डूब गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो नहीं बाहर निकल पाए तालाब से, रात का समय था, डूबने से उनकी मौत हुई। कई जो लेडीज़ हैं उनकी डेथ हो गई है। अब डीएम से लेकर एडीजी से लेकर सभी मंत्रीगण, सभी क्षेत्रीय विधायक कानपुर के, सब मौके पर मौजूद हैं। हमने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ने ट्वीट करके अपनी कंडोलेंस दी। तो मामला की बात करी जाए, अभी ये डेथ टोल भी आगे जा सकता है क्योंकि बाकी लोग भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। बाकी नहीं, सिमर बताया जा रहा है कि सीएचसी में जिन लोगों को भर्ती करवाया गया था उसमें से भी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, और यह आंकड़ा शायद अब बढ़कर 27 हो गया है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, अभी वहाँ से जो हमारी टीम है एक वहाँ पे ट्रैक कर रही है, लेकिन जो डीएम है जो उस वक्त मौके पे है, जो ऑफिशियल वर्जन दे रहे हैं उनके हिसाब से कहना है कि 25 लोगों की पुष्टि अभी हो हमें मिल चुकी है। थोड़ी देर में वो एक अपडेट लेके सीएमओ से एक फिर से एक टोल जारी करेंगे कि कितने लोग अभी इसमें मृत हैं और कितने लोगों का इलाज चल रहा है। तो फिगर्स की बात है तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जानकारी के हिसाब से काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, काफ़ी क्रिटिकली लोग इसमें इंजर्ड थे। सभी पूरी मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी लग चुकी है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके 4 लोगों को कानपुर में हेलिक भेजा गया है, सीएचसी कुछ लोगों को रेफर करा गया है, 3 लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी, गंभीर रूप से घायल थे, उनको हेलिक रेफर करा गया है, तो वहां पे उन लोगों का इलाज चल रहा है। देखना यह है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या अपडेट्स वहां से डॉक्टर एक जो बुलेटिन रिलीज करेंगे या अपडेट देंगे, कैसी खबर वहां से सामने आती है। नहीं बिल्कुल दुखद खबर है। सिमर जरा यह बताइए कि जानकारी कितने बजे आप लोगों के पास पहुंची और क्या मूल वजह बताई जा रही, क्या वजह रही कि ट्रॉली पलट गई, सामने कुछ आ गया था, नींद लग गई थी, वजह क्या थी जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ, और कितने लोग सवार थे इस ट्रॉली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि 50 के आसपास लोग शायद घायल भी हुए हैं, महिलाएं बच्चे ज्यादा है, तो एक बार जरा इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, हादसा शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ। जी बिल्कुल, बात करी जाए तो 2.5 से 3 घंटे पहले ये प्रशासन के बाद भी इनपुट पहुंचा कि ऐसा बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे, वही टाइम था जब ये पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली फतेहपुर से वापस आ रही थी। मैं आपको बता दूं ये एक ही गांव के सभी लोग हैं जो लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे ये चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने गए थे, एक वहाँ पे सेरेमनी थी, मुंडन सेरेमनी, उसको अटेंड करने गए थे, वहाँ से जब वापस लौट रहे थे। वहाँ पे अभी इसका पुख्ता रीजन तो नहीं बताया गया है कि क्या वो चालक की लापरवाही थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन जो एक इन्फो है हमारे पास, जो ट्रैक्टर चालक था जो चला रहा था वो, उसकी बीवी और उसका बच्चा, उन तीनों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। बाकी लोग जितने सवार थे 50 के करीबन अभी जो हमें सबसे पहले फिगर्स दिए गए हैं कि 50 से के आसपास लोग सवार थे इसमें से, उसमें से 28 की डेथ हो गई है और बाकी लोगों को सीरियसली जो इंजर्ड है उनको रेफर करा गया है। तो एक ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि कहीं ये ओवरलोडेड तो नहीं थी ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमने विजुअल्स में अपने देखी है उसमें इतने ज्यादा लोगों का एक साथ सवार होना वो अपने आप में एक रीजन हो सकता है, एंड बाकी चालक की जो लापरवाही है उस पर बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है कि क्या हादसा की वजह थी वो आधिकारिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। नहीं तो ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि चालक जो है वो क्या सुरक्षित है, क्या केवल ट्रॉली पलटी है या ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट गया है, और चालक का इसमें कितना रोल निकल कर सामने आ रहा है, उसको लेकर कोई जानकारी अगर आई हो आपके पास अब तक।
बिल्कुल शुभांकर, मैं आपको बता दूं जो ट्रैक्टर चालक था उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी मौत हो चुकी है एंड उसी की फैमिली के 3 से ज्यादा मेंबर्स उस पर सवार थे, जिसमें से उसकी बीवी की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की जा चुकी है और उसके बच्चे की भी, छोटे बच्चे की भी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो 3 मेंबर्स एक ही फैमिली से अभी डेथ अनाउंस कर दिए गए हैं। ये अभी जो प्रोफाइलिंग जो हमारे पास आई है उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, डॉक्टर से पूरा रिस्पांस आएगा, तभी पता चलेगा कि उस परिवार के कितने लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब लोग एक ही गांव के थे, जो पूरा एक साथ ट्रैवल करने गए थे फतेहपुर के मंदिर में, खुशी खुशी वहां से लौट रहे थे दर्शन करके, और उसके बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली मौके पे DM समेत ADG काफ़ी बड़े स्तर के जितने नेता हैं सभी वहां पे पहुंच गए। जो विधायक और जो मंत्री खड़े जिनकी कंस्टिट्यूएंसीज भी नहीं है उन्होंने भी अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको फ़ोन किया और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर वहाँ पहुँचने की और उनकी मदद करने की बात करी। हमने देखा कि लोकल्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी तो जो सबसे पहला रिस्पांस टाइम था जो वहां के आसपास के इलाके के लोग थे, लोकल्स थे, उनका था, जिन्होंने तालाब में कूदकर जो लोग अंदर गिर गए थे उनको बाहर निकाला। हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि कैसे कई महिलाएं अंदर डूब रही हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, कई बच्चों की डूबने के कारण मौत हो गई, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद प्रशासन की मदद से उनको हॉस्पिटल रेफर करा गया। कई डेड बॉडीज मौके पर ही रही, जिनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी थी उनको नहीं भेजा गया। धीरे धीरे प्रशासन सभी विक्टिम्स को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, जहां से हेल्थ बुलेटिन का वेट हो रहा है।